वहीं शांतिपूर्ण मतदान खत्म होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में मतदान और बीजेपी दोनों ही शांतिपूर्वक ढंग से निपट गए हैं। साथ ही कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईवीएम मशीन में हुई गड़बड़ी को लेकर भी बात कही। कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने ईवीएम में आई खराबी के कारण कई मतदाताओं को मतदान का प्रयोग नहीं कर पाते हुए भी देखा और इसलिए ऐसे बूथों पर फिर से मतदान किया जाना चाहिए जहां पर 3 या उससे ज्यादा घंटों तक मतदान प्रभावित हुआ। कमलनाथ ने कुछ ऐसे वीडियो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाए जिनमें मतदाता शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये शिकायतें रही कि ईवीएम मशीन खराब है और कहीं तो 3 घंटे से ज्यादा चुनाव। हमने मांग के लिए चुनाव आयोग से, मैंने खुद दिल्ली चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राबा जी से बात करी, यहाँ हमने शांताराम जी से बात करी कि जो 58 सेक्शन 58 है उसके अनुसार जहाँ चुनाव में कुछ अड़चन आती है तो वहाँ रिपोर्टिंग कराई जाए। हमने ये मांग करी कि जहाँ चुनाव 3 घंटे तक रुका रहा, 3 घंटे या 3 घंटे से ज्यादा रुका रहा, वहाँ चुनाव रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि जो मतदाता आते हैं मतदाता वापस किया है, सबका अपना अपना काम होता है, कोई किसी में किसी चीज में व्यस्त हो गया, किसी चीज में व्यस्त हो गया है। ये केवल कह देना कि हम 9 बजे तक बढ़ा देंगे, 10 बजे से बढ़ा देंगे, ये उचित नहीं है, सही नहीं। तो हमने ये मांग कर दिया कि जहाँ 3 घंटे से ज्यादा, इसका मतलब 33%, 9 घंटे का टाइम है या 3 घंटे चुनाव नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में वोटिंग के दौरान ईवीएम में हुई खराबी को लेकर कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीईसी को पत्र लिखा और उनसे शिकायत भी की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की पहल पर शहर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप की गतिविधियां संचालित की गई थी। इन गतिविधियों का नतीजा ये रहा कि 3.5 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने पर भी भोपाल में मतदान प्रतिशत महज 3.08% ही बढ़ा। 2013 में मतदान का प्रतिशत जहां 62.63 था, वहीं भोपाल में इस बार का मतदान प्रतिशत महज 65.54% ही रहा। खास बात तो यह है कि इस बार भोपाल में स्वीप गतिविधियां संचालित करने के बाद मतदान का प्रतिशत 70% से ऊपर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। कटनी में मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया, जिसके बाद ये ताला 11 दिसंबर को मतगणना के दिन ही खोला जाएगा। बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है जो कि पूरे समय ईवीएम की निगरानी करेंगे। ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखकर सील करने के दौरान कलेक्टर केवीएस चौधरी, एसपी मिथिलेश शुक्ला सहित केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के अधिकारी मौजूद रहे, तो वही सुरक्षा बलों को जरा सी भी गतिविधि मिलने पर तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।